पिछले काफी महीनों से ये चर्चा बना हुआ है कि चाइल्डलाइन 1098 क्या पुलिस के 112 नंबर के साथ संचालित होगी। जब से मिशन वात्सल्य की गाइडलाइन आई है, एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि चाइल्डलाइन सर्विस का क्या होगा, चाइल्डलाइन सर्विस कैसे संचालित होगी। दोस्तों, आज आपको बता रहे हैं कि कई अखबारों ने भी इसको प्रकाशित कर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैनल में बच्चों से संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चाइल्डलाइन एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है, बच्चों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जब से ICPS आया, इसे ICPS में सम्मिलित कर लिया गया, इसके बाद CPS में भी इसे सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन मिशन वात्सल्य में इसकी एक अलग से SOP जारी करने की बात कही गई, जो आप मिशन वात्सल्य की ड्राफ्ट गाइडलाइन चैप्टर 9 में देख सकते हैं, जिसमें ये उल्लिखित किया गया है कि चाइल्डलाइन की एक अलग से SOP आएगी। लेकिन अभी तक काफ़ी समय हो गया, SOP नहीं आई। दोस्तों, चाइल्डलाइन की SOP अब जल्द ही आने वाली है। एक ये खुशखबरी की बात है कि अब हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी हम काफ़ी साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 8 वर्षों से हम इंतज़ार कर रहे हैं। अब चाइल्डलाइन की SOP जल्दी ही हमारे बीच होगी और हमें पता चलेगा कि नई गाइडलाइन में चाइल्डलाइन सर्विस को लेकर क्या व्यवस्था है और मिशन वात्सल्य की गाइडलाइन में अब जो ड्राफ्ट हम लोगों ने देखा था उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। दोस्तों, जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि चाइल्डलाइन सर्विस पहले की तरह संचालित होगी। SOP आने के बाद भी NGO का रोल रहेगा और चाइल्डलाइन हो सकता है बेहतर और बेहतर परफॉर्म करे, इस तरह की कुछ योजनाएं तैयार की जा रही हैं और अब आपको ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ दिन और शेष बचे हैं जिसमें हमें जल्द ही ये खुशखबरी मिलेगी कि चाइल्डलाइन की SOP तैयार हो गई है और हमारे बीच जल्दी आने वाली है। दोस्तों, मिशन वात्सल्य और चाइल्डलाइन को लेकर मैं जल्दी आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करूंगा। उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।